हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अर्बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 9 सॉइल की हम समरी देखेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमें गिवन है वो समझेंगे। देखिए, समरी से और कीवर्ड्स समझ लेते हैं जब हम, तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है चैप्टर की वो कवर हो जाती है। फिर भी मैं इसका चैप्टर भी आपको जल्दी ही एक्सप्लेन पूरा करूँगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसमें कि सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल जो है हमारी, जो मिट्टी है, मिट्टी के बिना ना घर बना सकते हैं ना पेड़ उगा सकते हैं। तो पेड़ कहाँ उगते हैं? मिट्टी में ही तो उगते हैं, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है। सॉइल प्रोफाइल इज़ अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजन्स। तो सॉइल की हमें सिर्फ ऊपरी वाली लेयर दिखती है अर्थ पे, जो हम देख पाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी और भी लेयर्स होती हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट सेक्शन होते हैं। और जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ना सॉइल के, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग लेयर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे तो एक्सपेरिमेंट्स आपको बता रखे हैं करने के लिए। सॉइल की प्रोफाइल ये देखिए, ये रही सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। तो सबसे ऊपर वाली को हम लोग बोलते हैं ए हॉरिजन। ए हॉरिजन जो होती है वो, उस पर हमारे पेड़ वगैरह उगते हैं, ठीक है। टॉप सॉइल जो होती है उसको हम ए हॉरिजन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आती है बी हॉरिजन। बी हॉरिजन जो है काफ़ी लार्ज होती है। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर, काफ़ी हार्ड सी लेयर होती है जो बी हॉरिजन की होती है, काफ़ी हार्ड होती है एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजन। तो मिडिल लेयर, तो टॉप लेयर के नीचे ए हॉरिजन के नीचे होती है बी हॉरिजन, काफ़ी हार्ड सी होती है। टॉप लेयर के नीचे बी हॉरिजन काफ़ी हार्ड और काफ़ी सख्त होती है, तो इसको हम बी हॉरिजन या मिडिल लेयर भी बोलते हैं। थर्ड लेयर होती है जिसको हम सी हॉरिजन बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्ब्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स एंड क्रेविक्स। तो स्मॉल लम्ब्स ऑफ रॉक्स मतलब देखिए, छोटे छोटे टुकड़े टाइप के होते हैं, लम्ब्स होते हैं जो टुकड़े टाइप के इकट्ठा हो गए हो जाते ना, उसको हम लम्ब्स बोलते हैं। तो क्रैक्स जो क्रैक पड़ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं, क्रेविक्स टुकड़े और इकट्ठे हो जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सी हॉरिजन। ये वाली जो लेयर होती है सी हॉरिजन के नीचे जो होती है लेयर, उसको हम बेड रॉक बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। ये देखिए, बेड रॉक सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और इसको तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये हम लोगों ने पूरी प्रोफाइल समझ ली कि सॉइल की जो प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें हमें बताया है सॉइल इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप। सॉइल अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि क्लेली, लोमी, सैंडी। तो आपसे इंपॉर्टेंट है पूछा जाए कि कितने टाइप्स की सॉइल होती है, तो आप बता सकते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सच एज क्लेली, लोमी एंड सैंडी। सैंडी होती है रेत, क्ले जो होता है ना, जिससे आप बचपन में बनाते होंगे कुछ कुछ चीज़ें, वो क्ले होती है। और लोमी थोड़ी और चिपचिपी सी सॉइल सी होती है। पर्कुलेशन रेट इज़ पर्कुलेशन और रेट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। इट इज़ हाइएस्ट इन द सैंडी सॉइल एंड द लीस्ट इन द क्लेली सॉइल। तो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वाटर कितना मिट्टी में जाता है, किस रेट से पानी मिट्टी के अंदर जाता है, वो उसका क्या होता है, पर्कुलेशन रेट होता है। और पर्कुलेशन रेट जो है वो अलग होता है अलग अलग सॉइल में। सबसे ज़्यादा जो है पर्कुलेशन रेट होता है वो सैंडी सॉइल में होता है। सबसे ज़्यादा मतलब पानी नीचे की तरफ चला जाता है, क्यों? क्योंकि रेत के कण बड़े दूर दूर होते हैं, रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में काफ़ी दूरी में होते हैं। हाईएस्ट जो होता है पर्कुलेशन रेट वो सैंडी सॉइल में होता है और सबसे कम पर्कुलेशन रेट होता है क्लेली सॉइल में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो अलग अलग तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग क्रॉप्स में। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट, ग्राम एंड पेडी। क्ले और जो लूम है वो काफ़ी सही होती है, अच्छी होती है वीट, ग्राम और पेडी को ग्रो करने के लिए। कॉटन जो है वो सैंडी और लोमी सॉइल में काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी फसल किस किस में उगाई जाती है। तो क्ले और लोम जो है वो वीट, ग्राम और पेडी को उगाने के लिए काफ़ी अच्छी सॉइल होती हैं, और कॉटन उगता है सैंडी और लोमी सॉइल में। फिर नेक्स्ट आता है इसमें सॉइल होल्ड्स वाटर एंड सॉइल अपने अंदर वाटर को जमा करके रखती है, इसी को हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। तो सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है ना कि वो अपने अंदर पानी को जमा करके रख ले, उसी को हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। अगर देखिए, जो इसकी सॉइल की कैपेसिटी होती है ना कि खुद में पानी को जमा करके रख सकती है, इसी वजह से क्या होता है, सिर्फ यही रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग पेड़ उगा पाते हैं। अगर पानी ही नहीं होगा मिट्टी में तो पेड़ तो वो तो बंजर सॉइल हो जाएगी, है ना। तो सॉइल की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर पानी को जमा करके रख लेती है, इसी वजह से अच्छे से हम पेड़ उगा पाते हैं। क्लेली सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज। तो क्लेली सॉइल जो होती है वो पॉट्स बनाने के काम आती है, है ना, टॉयज़ बनाने के काम आती है और स्टैचूज़ बनाने के भी काम आती है। टॉयज़ खेल वगैरह जो खेलते थे ना, बनाते थे बचपन में, वो
तो क्लेली सॉइल, मैंने आपको बता दिया क्ले जैसा होता है जिसे खेलते हैं, ह्यूमस होता है, देखिए जो पेड़ होता है, पेड़ का पत्तियाँ वत्तियाँ गिर गई सड़ करके, पेड़ के फूल टूट करके नीचे गिरे, तो ये क्या होता है ज़मीन में नीचे धंसते जाते हैं, और काऊ डंक हो गया, ये सब कुछ ना मिल करके ज़मीन में ह्यूमस बनाता है, और ह्यूमस की वजह से क्या होता है प्लांट्स की, फसलों की प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो जाती है। लोमी भी एक टाइप की सॉइल होती है। पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन एक ऐसा रेट होता है कि पानी कितनी आसानी से ज़मीन के अंदर जा सकता है, उसी को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। सैंडी का मतलब होता है जो रेतीली सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी को हम सैंडी कहते हैं। वाटर रिटेंशन का मतलब होता है कि पानी की रुकने की जो कैपेसिटी होती है ना अर्थ के अंदर, पानी कितना रुक सकता है, उसको हम वाटर रिटेंशन बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने इसकी समरी देख ली है, और जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है ये भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगी। तो आपको ये कैसा लगा, और कौन से आप चाहते हैं कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स एक्सप्लेन करूं, तो वो भी बता सकते हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।